जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी का संयोग दो दिन का बना है, इसलिए इस बार जन्माष्टमी का त्यौहार दो तिथियों में यानी कि 2 सितंबर और 3 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 सितंबर रविवार को भादों की अष्टमी रात 8:46 में शुरू हो गई थी, लेकिन उदयकालीन अष्टमी सोमवार 3 सितंबर 2018 यानी आज के दिन है, इसलिए जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है। जन्माष्टमी की रात 12 बजे आज जब कृष्ण का आगमन होगा, यानी कि आज जब रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म होगा, उस समय स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग होगा। भक्तजनों की हर मनोकामना भी पूरी होगी, आकाश से अमृत की वर्षा होगी। आज 3 सितंबर के दिन रोहिणी नक्षत्र भी है। वही ज्योतिष के अनुसार इस बार जन्माष्टमी की रात के बाद बन रहा ये राजयोग इन 3 राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो 3 राशियां। पहला, मेष राशि। आपको अपने जीवन में तेजी से सफलताएं मिलेंगी, जिससे कि आप तेजी से प्रगति करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे अधिक रहेगी, जिसके कारण आपको अपने जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। श्री कृष्ण की कृपा से खासकर आपको शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको अपना सच्चा प्यार मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, जिससे आपको धन से जुड़ी सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। ये राजयोग आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दूसरा, कन्या राशि। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे अधिक बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको प्यार और नौकरी के क्षेत्र में तेजी से सफलता हासिल होगी। आपको अपना सच्चा प्यार जरूर मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में चल रहे प्रयास भी पूरे होंगे, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके घर में खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तीसरा, मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको अपने जीवन में तेजी से सफलताएं हासिल होंगी। खासकर आपको प्यार के मामलों में तेजी से सफलता मिल सकती है। आपको अपना सच्चा प्यार भी मिल जाएगा। किसी खास मित्र की मदद से आप अपना सच्चा प्यार पाने में सफलता हासिल करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आने वाली सभी विनाशकारी शक्तियों का विनाश करेंगे। जन्माष्टमी के ठीक 2 दिन बाद आपका शुभ समय शुरू हो रहा है। बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ आपको अपने जीवन में अनेक बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस।